प्रदेश में महंगाई को भ्रष्टाचार और जिस तरीके से अनर्गल और अनैतिक तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति हो रही है, सत्ता पक्ष जिस तरीके से जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बेईमानी करके चुनाव जीता है, पूरी तरीके से अनैतिक तरीके से चुनाव जीते, उसके विरोध में आज ये बाबा कीनाराम के इस तपोस्थली से हम लोग पदयात्रा करते हुए प्रधानमंत्री जी के संसदीय कार्यालय जाकर ज्ञापन देना चाहते थे कि महंगाई, भ्रष्टाचार, अनेकता इस तरीके से पराकाष्ठा है उत्तर प्रदेश में। आज वो प्रशासन ने नहीं जाने दिया और हम लोग धरने पर बैठे रहे। उसके बाद ही मैंने आग्रह किया उनसे कि भाई जो प्रधानमंत्री जी के संसदीय कार्यालय में जो भी वो व्यक्ति हैं जो आम जनता की शिकायतें सुनते हैं, जो प्रधानमंत्री जी तक बात पहुँचाते हैं, कम से कम उनको यहाँ बुला लिया जाए। हम लोग वहाँ नज हमको जाने की अनुमति दें पर यहाँ बुला लिया जाए, उनको दे दें हम कागज़। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नहीं कह पाएंगे, हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अब जब पुलिस ये बात करी, पुलिस का अधिकारी कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय कार्यालय के लोगों को हम यहाँ नहीं बुला सकते, तो समझ लीजिए कि आम जनमानस वहाँ क्या कर पाता होगा। उसके लिए हम लोग गए थे वहाँ पर अपने उसको प्रोटेस्ट करने के लिए, देने के लिए, वो जाने नहीं दिए। हम लोगों ने उनको वहीं पर दिया और अपनी बात कहकर हम यहाँ आ गए। भाई जबरदस्ती झगड़ा में करना नहीं, हम धरने बैठे थे।
कि ये महंगाई भ्रष्टाचार जिस तरीके से चल रहा है, 200 रुपये के ऊपर जो है दाल की कीमत हो गई, 100 रुपये पेट्रोल हो गया, 90-92 रुपये डीजल हो गए, खाने के सारे सामान, सेब 50 रुपये 60 रुपये किलो मिलता था, 250-300 रुपये किलो है सेब। कहाँ से गरीब आदमी खाएगा, कहाँ से अनाज खाएगा? दाल की कीमत, सारे अनाज चावल जितने भी खाने के सामान हैं सबकी कीमत बेतहाशा वृद्धि होती चली जा रही है, और उस पर ज्ञापन लेने के लिए यहाँ के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, काशी उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ उनके कार्यालय का भी कोई आदमी लेने नहीं आया। अरे बैकफुट पे कहाँ है भैया, अपनी बात हम कह रहे हैं, अब उनसे झगड़ा तो हम करेंगे नहीं। हम गए, महिलाओं ने उनको ज्ञापन दिया, महिला कांग्रेस ने, वो हमने यहाँ तक कहा कि उनके कार्यालय के लोगों को बुला लीजिए, वो उनको दे दें। उस पर भी जो SEP थे यहाँ के, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो हम